तो बेटा एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज क्या है मैं करने जा रहा हूँ बेटा, नीट की जो लक्ष्य नीट जो चल रहा है अलग सर का बैच फिजिक्स वाला का, उसके जो मॉड्यूल हैं बेटा उनकी एक तरीके से रिव्यू कह सकते हो। असल में रिव्यू भी नहीं कहेंगे इसको, मैं कहूँगा कि मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। बात खत्म। क्यों सपोर्ट करता हूँ? देखो ये रीज़न है, सबसे पहली बात ये कोई वजह नहीं है कि लोग सोचेंगे कि ये अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। इनफैक्ट ये जो मॉड्यूल मुझे मिले हैं और ये नीट के हैं, और सबको पता है कि मेरा तो कोई लेना देना है ही नहीं है, मेरे एक स्टूडेंट ने मंगाए थे और उसने मुझे भेजे हैं कि सर प्लीज़ आप एक बार इसको देखो और बताओ कैसे लग रहे हैं। तो बेटा मैंने इनको देखा, 3-4 दिन से मेरे पास थे, अब मैं इनको देखा और मैं इनको देख के बता रहा हूँ आपको कि ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़रूरी हैं बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बेटा। क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सबसे अहम प्रश्न बनता है ये। देखो बेटा मैं आपको बताऊँ, आपके पास कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे उठने चाहिए। नंबर 1 कि इसकी क्या ज़रूरत है, नंबर 2 ये कितने पैसों का है, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, और बेटा नंबर 3 कि आजकल तो सर सब ऑनलाइन मिल जाता है तो क्या क्यों ज़रूरत है इसकी, ऐसे क्यों ज़रूरत है। सबसे पहली बात, जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन आपको सब मिलता है लेकिन आपको हर समय मोबाइल में देखना पड़ेगा, PDF देखनी पड़ती है, फिर पेज पलटने में दिक्कत होती है क्योंकि उसमें पेज पलटे जाते हैं नहीं, आपको फिर जूम करके देखोगे ना, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो ये चीज़ सॉल्व कर देगी। क्यों? सबसे पहली बात, ये बेटा बेहद ही पतले हैं। देखो आप देख पाते हैं इसकी थिकनेस कितने पतले हैं। जब ये बेहद पतले होते हैं ना तो बेटा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अगर किताब बहुत मोटी होती है तो देख के डर लगता है। इस साइकोलॉजी है हमारी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमारा दिमाग होता है इंसान का वो मोटी किताब देख के डरता है कि यार ऐसे कैसे करूँगा मैं। तो देखो ये कितने पतले हैं, और ये फिजिक्स का है, इसमें आपके कौन कौन सी यूनिट इंक्लूड हैं, इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, तो ये 2 इसमें यूनिट हैं और 3 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, और ये देखिए क्यों, अब देखते हैं इसकी खोल के इसमें है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है क्या लिखा हुआ, क्या है। सबसे पहले लिखा है नीट फुल कोर्स फिजिक्स मॉड्यूल वन। अच्छा, इसमें इसका जो मैं बताऊं बेटा आपको, सबसे ज़्यादा बड़ा जो इसका मैं कहूँगा एसपी जो है इसका बेटा, वो क्या है, वो है इसका कंटेंट। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, इसका कंटेंट लाजवाब है बेटा। मैंने इसको बहुत दिन तक देखा और देख के ही मैं आपको ये बता रहा हूँ। और जब आप चैप्टर शुरू करते हैं, मान लीजिए चैप्टर 1 मैंने स्टार्ट करा, खोला, तो इसमें सबसे पहले देखो दिख जाएगा ये कि पास्ट ईयर्स नीट का ट्रेंड क्या है। 2011 में इसमें से 1 क्वेश्चन पूछा गया, किसमें से, इस चैप्टर में से। 2012 में 1 भी नहीं आया, 2013 में 1 आया है, 14 में कोई भी नहीं आया इस तरीके से, और 2019 में 3 आए हैं। तो बेटा इन्होंने पिछले 10 साल का एवरेज लेके इन्होंने एक बनाया रिपोर्ट कि इसमें 1 क्वेश्चन तो लगता ही लगता है, 0 से 1 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, और कौन सा टॉपिक में से लग रहा है तो टॉपिक यहाँ लिख दिए। तो बच्चे के लिए एकदम से सारी चैप्टर को पढ़ने से पहले वो सिर्फ इसको ध्यान देगा कि भैया मुझे ये तो पक्का करना ही है। ऑलराइट, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें परफेक्ट प्रैक्टिस प्लान भी दे रखा है इन्होंने कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। टॉपिक वाइज MCQ 66 हैं, लर्निंग प्लस के 22 दे रखे हैं इन्होंने, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस 18 हैं, और नीट के पिछले 10 सालों के बेटा 10 क्वेश्चन हैं, और अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो कुल मिला के 116 MCQ बनते हैं इस चैप्टर में से जो इस मॉड्यूल के अंदर हैं। ठीक, और देखो 116 बनते हैं टोटल सबको अगर आप जोड़ोगे तो, और एक लगता है ऑन एन एवरेज। तो उन्होंने हर तरीके के दे रखे हैं, तो सबसे पहले आपको आइडिया लग जाता है बेटा क्या आना है। कहने का मतलब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ रेलेवेंट पढ़ना और जो काम की चीज़ है बेटा वो पढ़ना है। आपको सिलेक्शन लेना है, मेन बात ये है बेटा। ये इसमें देखो थ्योरी भी दे रखी है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी नहीं दे रखी, अच्छे से थ्योरी दे रखी है, क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन कर रखे हैं, हर टाइप के इन्होंने क्वेश्चन करा रखे हैं। और सबसे जो मैं बढ़िया बात बता रहा था आपको बेटा वो क्या है, देखिए यहाँ से तो इनके एग्जाम्पल शुरू हो गए हैं, और ये मैं पीछे जाता हूँ आगे थोड़ा, ये बेटा टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज का मतलब पहले इन्होंने लिख दिया कुलाम्स लॉ, तो कुलाम्स लॉ पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से दे रखे हैं। MCQ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस तरीके से दे रखे हैं। फिर क्या दे रखा है, ये टॉपिक वाइज है बेटा, ठीक है ना। ऐसे देखो हर एक टॉपिक वाइज मिलेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के दे दिए, फील्ड के, चार्ज के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दे दिए हैं हर एक टॉपिक वाइज। और फिर बेटा लर्निंग प्लस,
अभी जो लर्निंग प्लस वाले इन्होंने न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं या क्वेश्चंस दे रखे हैं, एमसीक्यू दे रखे हैं, लर्निंग प्लस क्या करेगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन पे आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। ये क्वेश्चन तो एच सी वर्मा सर की किताब का है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, तो मतलब कहने का मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं, और ये है मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, मतलब वो क्वेश्चंस जिसमें 2-3-4-5 कॉन्सेप्ट लगे हैं। लाइक खिचड़ी, अब तक आपने सिर्फ चावल खाया, आलू खाया, अब सब मिलके खा रहे हैं, दाल चावल आलू भात जो भी कुछ है, मतलब मल्टी कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाले हैं, फिर उसको आपको देखना है। ये भी इसमें 16-18 क्वेश्चन दे रखे हैं, और फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नीट में पिछले 10 सालों में आए हुए क्वेश्चंस, और फिर इसके बेटा आंसर की दे रखी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी करें तो उस बेटा आंसर की पहले ना देखें, पहले आप सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे कर लें, कॉपी पर लिखते चलें, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, और लास्ट में बेटा इन सबको चेक करें। ये मेरा तरीका रहता है बच्चों को समझाने का। फिर देखिए ऐसे ही बेटा, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस ये चैप्टर है एनसीईआरटी से, बात करें तो इसका दिखा रखा है ट्रेंड पिछले 10 साल। सबसे इसकी इसका जो यूएसपी है ना वो यही है बेटा, ये दिखा रखा है। फिर दिखाया कि लगभग 1-2 क्वेश्चन लगते हैं, फिर ये दिखा दिए कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हैं, कुल मिला के 184 क्वेश्चन इस चैप्टर में भी मिले हुए हैं। तो बेटा ये सब तो इनके हैं, ऐसे करके देखो 1 मॉड्यूल 2 3 और ये 4, ये 12th के हैं बेटा ये, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखी है, ये एक्सप्लेनेशन, मीन्स जो भी आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व, देखो अभी खोली भी नहीं है उस बच्चे ने भी, है ना, बिल्कुल बेचारे ने तुरंत ही दे दी मेरे को, हाँ कि सर आप देख के मुझे बताओ कैसी है, मैंने मंगाई थी। तो बेटा देखो इन्होंने यहाँ पे पूरे एक्सप्लेन कर दिए, पूरे जितना कंटेंट है सबको एक्सप्लेन करा है, दे रखा है कि कौन से चैप्टर का आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, जैसे उसमें क्वेश्चन थे ना एक्सरसाइज के बेटा, उनकी एक्सप्लेनेशन है, जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे उसमें पहले का बी आंसर इस तरीके से, ये फॉर्मूला लगा है और ये आपने कर दिया है। ऐसे ही देखेंगे ये 12th का डी ऑप्शन लगेगा, सॉल्व करके दिखा रखा है, किसी क्वेश्चन पर फंसते हैं तो ऐसे करेंगे। ये हुई बात बेटा फिजिक्स की, और ये सब चैप्टर की इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा देखिए आप केमिस्ट्री देख लेते हैं पहले, हाँ फिर बायो भी देख लेंगे। केमिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम वही चीज़ है बेटा, मॉड्यूल 1 देखें, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, और मॉड्यूल 1 और स्टार्ट कैसे हो रहा है बेटा, बिल्कुल मैं समझता हूँ वही, बिल्कुल वही इन्होंने रखा है। ओहो हो, केमिस्ट्री का मैं भी यही खोल रहा हूँ। देखो सॉलिड स्टेट चैप्टर का पिछले साल का ट्रेंड कैसा है नीट का, पिछले कुछ सालों का, 10 सालों का, और फिर उसके आधार पर इन्होंने बना रखा है कि 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी लग सकते हैं, चैप्टर वाइज है, ठीक है। और फिर इन्होंने वही चीज़ कर रखी है बेटा, क्या टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, लर्निंग प्लस है, मल्टी कॉन्सेप्ट तो मैं खिचड़ी कहूँगा, है ना, खिचड़ी है वो बहुत सारे। और देखो होए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी इन्होंने इसमें कर रखे हैं, टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड, मल्टी कॉन्सेप्ट और नीट पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन, तो ये इन्होंने कर रखे हैं। जैसा कि ओए भयंकर सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री में आता है ये बेटा, देखो 2011 में 5 क्वेश्चन यहाँ से लगे हैं, 2015 में 4, इसका क्या है 2-3, तो ये तो बहुत बेसिक चैप्टर है, इसको तो अच्छे से खोल के पी जाओ बेटा, बिल्कुल अच्छे से ये बात। तो बेटा ये भी बहुत बढ़िया है, मैं केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है केमिस्ट्री की, लेकिन बहुत बढ़िया। देखो इसकी भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है बेटा, इसकी भी एक्सप्लेनेशन दे रखी, ये तो बहुत प्यारे लगते हैं मेरे को, ये क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होती है, अच्छा स्ट्रक्चर वगैरह ये, ठीक है, कितने प्यारे होते हैं ये, बहुत प्यारे लगते हैं ये। तो ये भी बहुत मतलब एक्सप्लेन इन्होंने सब कुछ ही कर रखा है। और सबसे लास्ट नीट के बच्चों के लिए बायो के मॉड्यूल देखने की चाह है सर हमारी, तुम कब से फिजिक्स केमिस्ट्री दिखा रहे हो बेटा। ये देखो बायो मॉड्यूल 1 आपके इन्होंने चैप्टर दे दिए हैं, कौन कौन से ले रहे हैं इसमें, ये कवर कर रहे हैं, ये खुली हुई है, ये एक किताब खुली हुई है बच्चे की, किताब तो नहीं बेटा इसे मॉड्यूल कहना सही रहेगा, बुक नहीं है, क्योंकि ये अगर बुक होती तो इतनी पतली कोई बुक नहीं आती, ये तो हनुमान चालीसा आती है ना मार्केट में, उससे भी पतली है, जो जेब वाली आती है हनुमान चालीसा, सच में बेटा सच में उससे पतली है। लेकिन पतली होने से ये नहीं कि कंटेंट ख़त्म है, देखो कंटेंट तो एक एक चीज़ दिखा रखी है, डायग्राम भी समझा रखे हैं बच्चों को, बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं, कहने का मतलब बेटा बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं। और देखो थ्योरी, मुझे तो ज़्यादा बायो में नॉलेज है नहीं, लेकिन जो 9th-10th की मैं थ्योरी देखता हूँ, देखो बिल्कुल एक चीज़ दिखा रखी है, बाइनरी फ्यूजन दिखा रखा है, ये आई थिंक अमीबा का है, देखो बिल्कुल अच्छे से दिखा रखा है, थ्योरी पूरी रखी है, साथ में की नोट्स भी हैं बेटा, की नोट्स वो जहाँ से बहुत बहुत मतलब
क्या कहूँ मैं उसको, की नोट्स वो होते हैं बेटा जहाँ मतलब नॉटी पॉइंट, नॉटी मतलब नॉटी नॉटी, हाँ वही नॉटी नॉटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायग्राम देखो, क्योंकि बायो में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ डायग्राम बहुत हैं बेटा। अभी तो आपको फर्स्ट पार्टी दिख रहा है, इधर सेकेंड देखो, इधर भी दिखाओ, ये भी डायग्राम है। डायग्राम के साथ थ्योरी देखो पूरी पूरी लिख रखी है, ऐसा नहीं काट रखी है, पूरी पूरी थ्योरी है। और फिर यहाँ देखो सॉल्व भी कर रखे हैं बच्चे ने, है ना, लिख रहे हैं निशान आपको पेंसिल के। बायो पे ध्यान है बालक, कहाँ फिजिक्स में नहीं है। देखो ये टिक भी लग रहे हैं उसने जो किए होंगे सॉल्व अपने। देखो अब इसमें क्या है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आ गए पहले, ऑल राइट, उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एंड देन खुल जा भैया पेज नहीं खुल रहा, 3-4 साथ में आ रहे हैं, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन यानी खिचड़ी। ये खिचड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा, क्योंकि खिचड़ी ही जो होती है वो आपका दिमाग ख़राब करती है। अच्छी लगती भी नहीं ना, अच्छी तो मटर पनीर लगते हैं सर सोयाबीन की चाप। नीट पास 10 ईयर क्वेश्चन बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बच्चे के लिए, कोई भी एग्ज़ाम दे पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस तो ज़रूर देखे। और MCQ तो ऐसी चीज़ है बेटा, अगर आपने किया होगा देखा होगा और वैसा ही मिल गया तो आप टक लगा दोगे, वरना आपका टाइम ख़राब होगा। अगर कोई क्वेश्चन MCQ का आपको फर्स्ट टाइम मिलता है एग्ज़ाम में, आपका बेटा टाइम ख़राब होता है, ध्यान रखना। अच्छा अब इसमें एक चीज़ मैं और बताता हूँ बेटा, जैसे फिर से वही देखो चैप्टर का दिखा दिया उन्होंने, ओरे भयंकर 2013 में 13 क्वेश्चन इसमें से आए हैं, ओए होए होए होए, 4 से 5 क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायो वालों। हाँ अब बेटा एक बात मैं आपको बताऊँ, इसमें आपको अगर कहीं कुछ दिक्कत आती है तो इनका आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, इसको स्कैन करके, ये दे रखा ना बार कोड। अब इसको स्कैन करने से आपको क्या होगा बेटा, इनका खुलेगा ऐप, इनका किन का, सर फिजिक्स वाला सर का। आप चाहो तो यूट्यूब चैनल से भी इनके पढ़ सकते हो, अदरवाइज इनका खुलेगा ऐप। उस ऐप में आपको पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसमें दिक्कत आ रही है, शायद आप उसकी फ्री वीडियो देख पाएँ, अदरवाइज आप इनके बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो बुरी चीज़ नहीं है ज्वाइन करना इनके बैचेस, और वो अच्छे ही हैं मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि ये स्टूडेंट मुझे बताता है लक्ष्य नीट का ये बैच इसमें दिखा रखा है। देखो बेटा लक्ष्य नीट बैच के बारे में क्या क्या लिखा है, और लक्ष्य नीट किस लिए है, किसके लिए है बेटा, 12th क्लास के बच्चों के लिए है। कंप्लीट लाइव क्लास हो रही है बच्चों की, क्लास 12th का पूरा करा रहे हैं और नीट का सिलेबस भी करा रहे हैं, 20 नवंबर तक करा देंगे। अच्छा, और 30 दिन के फिर क्लास 11th का रिवीजन कराएंगे, जो बच्चे 12th में उनको 11th का रिवीजन कराएंगे बूस्टर, ताकि उनको नीट में तो क्योंकि 11th 12th दोनों का आएगा, तो 11th का रिवीजन भी करा रहे हैं साथ के साथ, ये स्टडी मटेरियल दे ही रहे हैं साथ के साथ। अब ये कौन सा स्टडी मटेरियल दे रहे हैं सर, बेटा ये देते हैं आपको वीडियो के बाद एक PDF जो उन्होंने बोर्ड पर कराया उसकी PDF देते हैं, और फिर बेटा उससे फिर क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए आज उन्होंने कोई टॉपिक पढ़ाया तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक, और फिर उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, और उसके बाद फिर वो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं ऐप में, जब आप उनको सब्सक्राइब कर लोगे। सब्सक्राइब करने का मतलब सर मैंने यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर रखा है, ये नहीं बेटा, जब आप इनका बैच को ज्वाइन करोगे। कुछ फ़ीस होगी मेरे ख्याल में 3500-3600 फीस होगी, ज़्यादा होगी नहीं, मैक्सिमम अगर चली भी गई तो 4000 होगी, मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं, मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं इसकी फ़ीस का। अच्छा, फिर स्पेशलाइज्ड सर करिकुलम आफ्टर ईच चैप्टर, हर चैप्टर के बाद इन्होंने एक करिकुलम बना रखा है, NCERT डिस्कशन भी करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते हैं। ऑफलाइन का फील मतलब ये जो आपको मॉड्यूल मिलेगा, स्टूडेंट्स कैन परचेज स्टडी मटेरियल विच इंक्लूड कंप्लीट थ्योरी एंड लेवल एक्सरसाइज। देखो इसमें पूरी थ्योरी है बेटा, ये मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ। सर आप कैसे कन्फर्म कर दोगे, आपको तो कुछ पता नहीं बायो का, लेकिन बेटा मेरे को फिजिक्स का पता है। बच्चे जो फिजिक्स के मैंने देखे हैं ना, ये मॉड्यूल ये रहे फिजिक्स के, कंप्लीट थ्योरी है, मैं मना नहीं कर सकता बेटा, ये बहुत बहुत ही सही लिख रहे हैं, कंप्लीट थ्योरी है। टेस्ट आफ्टर एवरी 15 डे होते होंगे, और होते ही हैं। बच्चे तो ये भी कहते हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, 15 दिन में नहीं होते, ये तो हर 7 दिन में टेस्ट ले लेते हैं, बच्चों का बोलना है। जो मेरे से बच्चे वगैरह पढ़ते हैं वो बताते हैं सर ये तो झूठ बोलते हैं, तो 7-7 दिन में टेस्ट लेते हैं, तो अच्छा ही है। अगर ये झूठ बोला तो क्या गलत है, अच्छा झूठ है ये कि अगर वो 7-7 दिन में टेस्ट ले रहे हैं तो। रिवॉर्ड अवेल, हाँ रिवॉर्ड बेटा दिया है इन्होंने दिया है रिवॉर्ड, जो बच्चों ने इनका टॉप किया था टेस्ट वगैरह में, बेटा ये प्राइज दे रहे हैं, जो बच्चा डिजर्व करता है उसको मिलेगा, सीधी सी बात। स्कॉलरशिप टेस्ट भी हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं बेटा, इन्होंने लिखा है डिजर्विंग स्टूडेंट के लिए, बिल्कुल, ये मुझे इनकी बहुत अच्छी बात लगती है बेटा, बहुत अच्छी बात लगती है, इसीलिए शायद मैं इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से प्यार करता हूँ। और देखो ये एक बात, प्लीज़ नोट देयर इज स्ट्रिक्ट नो रिफंड पॉलिसीज विद अस, मतलब कोई रिफंड नहीं होगा। आप सोचो कि आपने पहले बैच ज्वाइन किया, फिर आपने कहा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पैसे वापस करो, तो बेटा पैसे वापस नहीं होंगे, और होने भी नहीं चाहिए बेटा, होने भी नहीं चाहिए। देखो आप इस बंदे की मेहनत देखना, इनकी नहीं पूरी टीम की, फिजिक्स वाला तो सिर्फ अब एक पूरा इंस्टीट्यूट बन गया ना, लेकिन वो इमोशन समझो बेटा,
बहुत मेहनत कर रहे हैं सभी टीचर्स, ऐसा नहीं है। और देखो फिर से वही बात है, ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से आप पढ़ेंगे करेंगे। और बेटा अब बात आती है इसकी प्राइस की कि सर इसका प्राइस कितना है। तो बेटा मैं आपको बताऊँ, फिजिक्स वाला के लक्ष्य नीट, ये लक्ष्य नीट है ना, लक्ष्य मीन्स ट्वेल्थ वाला जो ये बैच चला रहे हैं, अर्जुन इनका इलेवंथ का बैच चलता है बेटा, जो लक्ष्य नीट है, लक्ष्य नीट यानी ट्वेल्थ क्लास प्लस नीट, वो बेटा उसका जो आप ये मॉड्यूल खरीदे हैं, ये पूरे जो है इसमें क्या क्या है बेटा, चार चार मॉड्यूल हैं, यानी कि 12 मॉड्यूल और 3 एक्सप्लेनेशन, यानी 15 छोटी छोटी पतली पतली बारीक बारीक सी किताबें हैं। ये जो किताबें, ये जो आपके मॉड्यूल हैं, ये कंप्लीट ट्वेल्थ करेंगे, ये तो कंफर्म करो, नंबर एक। नंबर दो बेटा इसमें और मज़े की बात क्या है कि ये सबका प्राइस जोड़ के, अगर आप देखो पूरी फिजिक्स है ट्वेल्थ क्लास की, पूरी केमिस्ट्री है, पूरी बायोलॉजी है, क्वेश्चंस हैं पिछले कुछ सालों के, है ना, नीट के स्पेशली, तो इन सबको मिला के भी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये 1300 का आइटम है, 1299 का, यानी कि अगर आप सोचो 1300 अगर देखो तो ये लगभग पड़ेगा कितना, 433 रुपये का। 433 रुपये में फिजिक्स का क्या आएगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखो 433 रुपये, 400 रुपये एक साल के, 365, यानी कि हर साल हर दिन का मतलब 1 रुपये से थोड़ा ही ज़्यादा ले रहे हैं, और जो कि गलत नहीं है बेटा, जो कि गलत नहीं है। अगर आप देखो तो ये, अगर आप पूरा देखो कि सर 1300 रुपये ले लिए इन्होंने 365 दिन के, तो बेटा बहुत सही है, मैं गलत नहीं समझता, और किताबें तो आपके पास रहेंगी ज़िंदगी भर, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। एक दूसरी बात, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चा बेटा ट्वेल्थ उसने पास कर ली है, अब वो सिर्फ नीट की तैयारी करना चाहता है, वो ट्वेल्थ नहीं कर रहा, तो बेटा वो ये चीज़ ना मंगाए, वो बच्चा इन सब मटेरियल को ना मंगाए, वो किसे मंगाए बेटा, उसके लिए इन्होंने अपना क्या दे रखा है बेटा अलग सर ने, उसके लिए आप लोग इनका क्रैश कोर्स ले सकते हो, नीट का नीट क्रैश कोर्स इन 45 डेज। वो क्या है बेटा, वो भी ऐसे ही मॉड्यूल हैं, और उसमें जो थ्योरी है, इसमें जैसे आप देखोगे ना, ये तो खैर मॉड्यूल ये रहा, देखो अगर मैं आपको इसकी थ्योरी दिखाता हूँ, इसमें क्या किया है इन्होंने बेटा, देखो थ्योरी में एक एक बात लिखी है, सो वी गेट एनर्जी इन द स्टेट एन इक्वल टू टू इज इतना, इफ इन स्टेट 3 इक्वल टू, ये सब लिखा हुआ है इतना सारा, उसमें इतना सारी थ्योरी नहीं लिखी है, उसमें क्रिस्प थ्योरी है, क्रिस्प मतलब सर पकौड़ा सा है, नहीं क्रिस्प मतलब बेटा पॉइंट, शॉर्ट नोट जिसे कहते हैं ना शॉर्ट नोट, वो बना रखे हैं और वो बहुत काम के हैं। तो आप 45 डेज जो बच्चे ने ट्वेल्थ कर चुका है वो ले सकता है, चाहे तो आप जो बच्चा लेना चाहे वो ट्वेल्थ में है वो ये भी ले और वो भी ले, क्योंकि उसमें 11th का भी कवर है बेटा, कंप्लीट है कंप्लीट। और उसमें दो टाइप की चीज़ें हैं, लेवल 1 क्वेश्चन, लेवल 2 क्वेश्चन और प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन है बेटा, बस ये फ़र्क है छोटा सा, और वो 800 रुपये का है, 799, इनफैक्ट 800 भी नहीं बोलूँगा मैं, 799, और ये 1299। तो अगर आप दोनों को जोड़ भी लो तो 2100 के आसपास बेटा बैठता है, और 2100 रुपये 365 दिन के हिसाब से, इवन आपके पूरे करियर के हिसाब से ज़्यादा नहीं है बेटा, 2100 रुपये बहुत नहीं होते, ध्यान रखना इस बात को। मैं समझने, मेरे ख्याल से आप लोग 10 रुपये का तो या 20 रुपये का, आप तो आजकल बर्गर कितने का आता है, 31 रुपये का आता है, वो आप खा जाते होगे हफ्ते भर में, हाँ कुछ मोबाइल में रिचार्ज वार्ज भी कराते रहते होंगे, व्हाट्सएप भी चला रहे हो, तो मेरे ख्याल से बेटा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए किताबों पर। अगर किताबों पर इन्वेस्ट करोगे आपको फ़ायदा रहेगा, जिंदगी भर फायदा रहेगा। नीट क्लियर हो ना हो बेटा वो बात की बात है, लेकिन आपने इन्वेस्ट सही जगह किया होगा। सही जगह करने का मतलब ये मैं फिजिक्स वाला सर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब किताबों पे इन्वेस्ट करना। तो चलिए बेटा थैंक यू वेरी मच, और आप जितना हो सकता है बेटा इसे बच्चों तक पहुँचाएं कि बच्चे लोग भी ये खरीदें, जो लोग मोटी मोटी किताबें नहीं खरीद सकते, बहुत महंगी किताबें आती हैं बेटा आजकल, 2000 रुपये की सिर्फ फिजिक्स की किताब आती है, अगर आप सही से देखो 2000 रुपये की, कोई टेक्स्ट बुक लेने जाओ आप मार्केट में 2000 रुपये की, 2000 रुपये। अरिहंत की अगर आप बुक लेंगे, पूरी 5 बुक का सेट आता है, वो 2400-2500 रुपये का है, तो ये 2000 में तो बेटा ये क्या दे रहे हैं, 2000 में से क्या, तो 1300 में दे रहे हैं सारा, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी बायोलॉजी भी, ठीक। तो बेटा थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने देखा, थैंक यू वेरी मच बेटा।